I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Hello guys, welcome back to my channel. This is me, your brother Danish. Hope to sare bhai badhiya hoge. Main bahut badhiya hu. Video kar do like, channel kar do subscribe. Aaj main aap logo ko dikhane wala hu BSS compliant ki Hero Splendor. वैसे तो ये मॉडल रहने वाला है सेम अपनी खुशी जैसा, बट अभी ये बाइक जो है 2 महीने पुरानी है। भाई आया अपने पास बहादुरगढ़ से, मतलब इतनी तपतपाती धूप के अंदर भाई यहाँ पे आया, तो भाई को हेड्स ऑफ है कि भाई दूर से बंदा यहाँ पे आया है। और ये सिर्फ किसके वजह से आया भाई, हमारे काम की वजह से, प्यार प्रेम की वजह से भाई यहाँ पर आया है, वरना दुकान तो बहादुरगढ़ में बहुत सारी है। तो वही चीज है कि काम एक नंबर यहाँ पे होता है। तो ये चीज है कि आप जो है ना कभी भी यहाँ पे आओगे तो काम आपको 100% बढ़िया मिलने वाला है, और निश्चिंत होकर यहाँ पे आओ, काम कराओ। फिलहाल बाइक को दिखाता हूँ, बाइक किस हालत में वहाँ पे आई है। बाइक जो है दिखने में एकदम चिट्टी है, बट बाइक के अंदर लगा हुआ जो जो सामान है वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको दिखाऊंगा जो हम इसमें लगाने वाले हैं, देन लास्ट में आपको दिखाऊंगा सामान लगने के बाद हमारी बाइक लगनी कैसे वाली है। तो स्टे ट्यून गाइस, वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई क्वारी है तो भाई नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे कॉल कर लो। फिलहाल बाइक दिखाता हूँ आपको फटाफट से है कैसी। बाइक सामने खड़ी है, आपके देख सकते हैं ये अपनी फुल खुशी वाला मॉडल रहने वाला है। इस बाइक के अंदर जो है सामान में आपको बता दू क्या क्या लगा हुआ है। तो भाई ने लगवा रखी है पहले से इंजन प्लेट, ठीक है जी, एक हॉर्न लगे हुए इसके अंदर, बाकी कंट्रोल स्विच यहाँ पे निकला हुआ है क्योंकि इसमें जो है पासिंग स्विच बिल्कुल भी नहीं मिलता हमारे को, दैट्स व्हाई भाई यहाँ पे लगवाने आया है। यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे इसको, ठीक है जी। और बात करें सामने की तो भाई यहाँ पे पूरी की पूरी बोन स्टॉक रहने वाली है, बस ग्रिल का एक साइड लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये चीज है। बाकी अभी इसके अंदर जो सामान में एड ऑन होने वाला है आपको दिखाऊंगा। और पीछे तरफ चले तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे देखो भाई ग्रिल का सेट मिलेगा और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे स्टीकर मिलेगा फरारी वाला, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी फॉर्म पैड ना लगाने का नतीजा देख सकते हैं, पूरी की पूरी यहाँ मार्किंग आ चुकी है दोस्तों। तो अगर ये जल्दी नहीं लगवाता भाई तो यहाँ पे पेंट भी गायब हो जाता, तो वो चीज है। बाकी इसके अंदर और तो ऐसा कुछ नहीं है, रबड़ वबड़ लगी हुई है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, तो हमने समाज में क्या क्या लगवाना है वो दिखा देते हैं आपको फटाफट से। तो सबसे पहले बात करें टेल की, तो भाई देखो टेल लाइट के ऊपर जो आता है ग्रैब हैंडल, एक तो वो लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है जी। और बाकी नीचे टेल लाइट को, टेल लाइट पैनल को प्रोटेक्ट करेगा हमारा टेल प्रोटेक्टर, जो कि मैंने कल वीडियो डाली थी इसकी, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी देख लेना। और बाकी इस बाइक के अंदर जब ये लगेगा उसके बाद मैं आपको टेल के ऊपर हाथ मार के दिखाऊंगा प्रॉपर कि भैया कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाती कितनी नहीं। बाकी मैट वाला यहाँ पर जो है एक कवर लगाएंगे हम इसके अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। और ये जितना भी सामान यहाँ देख रहे हो ये सिर्फ भाई की पसंद है, सामान तो मेरा बहुत सारा है, लेकिन वही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ बाइक लेके आते हैं तो आपको क्या लगवाना है क्या नहीं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक यहाँ पर फॉर्म पैड आ जाता है देख सकते हैं आप, जो कि मैंने आपको दिखाया था टैंक का हाल क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हैजार्ड फ्लैशर है 21 पैटर्न वाला, ठीक है जी, तो ये इसमें लग रहा है। यहाँ पर ये ब्लू कलर के रहने वाले क्या क्या है, अरे येल्लो है, क्या बात है भाई। तो येल्लो वाले जो है हमारे बल्ब रहने वाले हैं 360 वाले, देख सकते हैं आप कितने ज्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में, और काफी रोशनी इनकी तेज रहने वाली है क्योंकि इसमें एलईडी के पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मिल जाते हैं 4 हमारे को। ये हमारे टेल लाइट का जो ब्लिंकर बल्ब होता है ये मिल जाएगा आपको, आई गेस ये भी मल्टी कलर रहने वाला है भाई, ठीक है। अच्छा रनिंग में चलेगा, ये मैट्रिक्स स्टाइल में चलेगा दोस्तों, मतलब ये ब्लिंक नहीं करेगा, ये रनिंग में रहेगा मैट्रिक्स स्टाइल में, ठीक है, जैसे ऑडी की लाइट्स होती है शू शू, ठीक है। ये हो गया, बाकी ये आ गया आपका पायलट लैम्प बल्ब, ये भी मल्टी कलर है, पायलट लैम्प जो होता है हमारे हेडलाइट के अंदर लगता है, तो ये जब कंट्रोल स्विच लगेगा तब ये इसका मजा अलग ही देखने में मिलेगा, ठीक है, रनिंग में रहने वाला है ये भी, इसको साइड में कर देते हैं। बाकी ये कलर कौन सा रहने वाला है, ये व्हाइट कलर के बल्ब देखने में मिल रहे हैं आपको एलईडी, तो ये भाई मीटर में जाने वाले है ना, ठीक है जी, मीटर में जाएंगे। बाकी हेडलाइट के अंदर हम इंटीग्रेटेड लाइट दे रहे हैं रेड कलर की, देख सकते हैं पाइपिंग वाली, तो फुल्ली वाटरप्रूफ है, सबसे अच्छी बात है जैसे मर्जी मोड़ लो तोड़ लो इनको, ये कहीं जाने वाली नहीं है, तो कुछ इस तरीके की आती है। बाकी इसके जो कनेक्शन होंगे शोल्डर आयरिंग की वजह से होंगे, ठीक है। तो बाकी हैजार्ड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे मिंडा का ओरिजिनल जो है देख सकते हैं यूनो मिंडा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिनल स्विच है, लोकल स्विच लगा देंगे तो फायदा नहीं है, इसलिए ओरिजिनल स्विच लगाते हैं मिंडा का, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर ये पीछे लगेगी लाइट देख सकते हैं ब्लिंकर है, तो ये रेड कलर चलेगा या ब्लू चलेगा मुझे पता नहीं है, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है जी। ये इंजन के नीचे लाइट आने वाली दोस्तों, ये तो टेल लाइट के नीचे आएंगी या फिर इंजन के नीचे आएंगी, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जहाँ मर्जी लगाओ आप, टेल के नीचे लगा लो, टेल पैनल जो होता है वहाँ लगा लो, या इंजन के नीचे लगा लो, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये आ गया हमारा यूनो मिंडा कंट्रोल स्विच, कुछ इस तरीके से दिखता है ये देखिए, इसमें पासिंग मिल जाता है आपको, ठीक है जी। और सबसे मेन जो है देखो इस स्विच के अंदर क्या खासियत है, ये हमने करा था पायलट लैम्प ऑन और ये करा हमने मेन हेडलाइट ऑन, ठीक है। तो पायलट लैम्प पे हमारा ये वाला जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा, और ये किस तरीके से काम करेगा ये आपको लास्ट में पता चलेगा। तो ये भी मिंडा का रहने वाला है,
ठीक है, यूनो मिंडा का। और इसकी हार्नेस देखो कितनी मोटी है और कपलर टू कपलर रहने वाला है। इसको चलाने के लिए एक रिले लगती है, रिले यहाँ पे भी है नहीं, वो दिखा देता हूँ आपको भी। बाकी यहाँ पर ये आ गई रोप, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रोप में भी हमारे तीन क्वालिटी है। हेडलाइट के अंदर डलने वाला है CYT, देख सकते हैं, यू कैन सी। CYT के अंदर दो मॉडल आते हैं हमारे पास, तीन आते हैं। एक थोड़ा हल्का वाला आता है, ये वाला भारी है, और एक और आता है जो सेम यही क्वालिटी का होता है, बट उसके अंदर जो होते हैं डबल ऑप्शन मिल जाते हैं आपको येलो और व्हाइट का। जैसे कि यहाँ पर मेंशन में आपको दिखाता हूँ, देखो जो ये सिल्वर वाला है ये येलो व्हाइट आता है, जो ये गोल्डन वाला है ये सिर्फ व्हाइट ही होता है, ठीक है। और बाकी ये रिले आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनो मिंडा का रहने वाला है कंट्रोल स्विच, तो यूनो मिंडा की ही रिले लगी है इसके अंदर। ये भी जानी मानी कंपनी है, आप गूगल कर सकते हैं, मतलब लोकल है ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा सामान हीरो स्प्लेंडर में लगने वाला है। ये सारा सामान देख के मजा आ गया होगा इस बाइक के अंदर। जब ये लोड हो जाएगा तो बाइक हो जाएगी फुल्ली लोडेड, और फुल्ली लोडेड जब बाइक हो जाती है तो भाई वो अलग ही लगती है, फुल लश्कारा मारती है। एक चीज मिसिंग कर गया मैं आपको, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं रिम को देख रहा हूँ, तो रिम लाइट इसमें लगने वाली है, डुअल टोन वाली रिम लाइट लगेगी। और वो किस तरीके से काम करेगी, मतलब येलो चलेगा मैट्रिक्स में और व्हाइट रहेगा स्ट्रे, तो आप लगवा सकते हो वो भी लाइट भी हमारे पास, उसमें मल्टी कलर भी मिल जाएगा जिसमें रिमोट मिलता है आपको, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप आओ अपना काम करवाओ बाइक का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इस बाइक के कुछ शॉर्ट्स एंजॉय करो, देन तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने ग्लास के अंदर ना रेड वाली लाइट लगा दी है इंटीग्रेटेड, ठीक है। और ये लगा लो डूम के अंदर होगा होल, वो जो ये तार है ये बाईपास करने के लिए, क्योंकि फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है कि तार दिखते नहीं है और इजीली फिटिंग हो जाती है। बाइक जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, फुल्ली लोडेड खड़ी हमारी बाइक। फटाफट से आपको बाइक दिखाता हूँ। तो दोस्तों सामने खड़ी है हमारी बाइक हीरो स्प्लेंडर BSS कंप्लाइंट की, सिर्फ 2 महीने पुरानी बाइक है। और बात करें किलोमीटर की, तो भाई साहब किलोमीटर अभी चली है सिर्फ, ये 2311 किलोमीटर रन हो चुकी है भाई साहब ये बाइक। और भाई आए थे हमारे बहादुरगढ़ से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें बॉडी लाइन की, तो बॉडी लाइन में हमने स्मोक टेप करी है। स्मोक टेप के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं, आपको पता है हमारी जो टेप होती है A1 होती है, कोई बबल देखने को नहीं मिलेगा, कहीं से फिनिशिंग आपको अनइवन नहीं मिलेगी, सारे S2H हमने बॉर्डर से कवर कर दिए है एकदम बढ़िया हिसाब से, ठीक है जी। तो बॉडी लाइन तो हो गई हमारी स्मोक टेप से कवर, ठीक है। बाकी यहाँ पे रोप आ गई है, देख सकते हैं आप, हॉर्न पहले की है। इंडिकेटर के अंदर हमने हैजार्ड बल्ब लगाए हैं, और हैजार्ड इसके अंदर लगाया है, इसके लिए बढ़िया लगा दिया हमने, देख सकते हैं आप। और स्मोक कर दिया गया इंडिकेटर को, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। और जैसे हम यहाँ पर मिंडा के स्विच से पार्किंग ऑन करते हैं, तो यहाँ पे मल्टी कलर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और ये लगा लो आप, यहाँ पे रेड कलर की जो है इंटीग्रेटेड लाइट देखने को मिलेगी आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, रात में अलग ही धुआं उठाने वाली है। और इससे आगे हमारा बल्ब लगा हुआ है CYT का, तो यहाँ पे पासिंग मिल जाती है, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से पासिंग आप कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला मॉडल, ठीक है जी। और बात करें अब कंट्रोल स्विच की, तो यहाँ पर कंट्रोल स्विच लगा हुआ है, देख सकते हैं पासिंग किस तरीके से काम कर रहा है। बाकी इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप पार्किंग ऑन कर सकते हो, जैसे कि मीटर में लाइट देख रहे हैं आप, इसमें भी LED बल्ब लगाए हमने, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी कलर ऑप्शन आपको भर भर के मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से हम जैसी मेन लाइट ऑन कर देंगे तो मेन लाइट ऑन हो जाती है, थ्रो देख सकते हैं आप कैसा रहने वाला है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, हाई लो, ठीक है। और यहाँ से इसको कर देंगे बंद, बाकी टर्न इंडिकेटर वैसे मिल जाते हैं जैसे कंपनी जाते हैं बाई डिफॉल्ट, ये आपका हाई बीम लो बीम में आता है, कैसे काम करता है ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। पीछे कर देते हैं बंद। बाकी हॉर्न ये पहले के हैं, बट हमारे पास भी ऐसे हैं हॉर्न, इससे अच्छे भी हैं मिंडा कंपनी के, बट ये कौन सी कंपनी ये पता नहीं मुझे। फिलहाल नीचे यहाँ पे लाइट लगाई है ब्लिंकर वाली, तो इसके लिए सोच में ख्याल से ये वाला होगा। अच्छा ये तो रिम लाइट के लिए, ठीक है। तो रिम लाइट देखने को मिलेगी यहाँ पर इस मैट्रिक स्टाइल में, इसके लिए स्विच हमने यहाँ पे लगाया डेडिकेटेड, इसको नीचे कर देंगे यहाँ पर, तो वाइट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, देखो स्टे में ये आपका स्टे हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो जो हमने ये इंटीग्रेटेड लाइट लगाई है यहाँ पर रेड वाली, आप चाहो ना ये वाली लाइट, तो ये राइड भी आप यहाँ पे रिम पे लगा सकते हो। अभी पिछले ही दिनों मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा उसका आई बटन में, देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो लाइट काफ़ी अच्छी लगती है, पुनः भाई ये लाइट जाना ज़रा, अच्छा ब्रेक पे है ये, ठीक है जी, ठीक है। ज़रा मैं नीचे तरफ नज़र मारूं दोस्तों, तो जहां पर ये हमारी लेग गार्ड की माउंटिंग होती है, वहां पर देखो 2 ब्लू कलर की जो है ब्लिंकर यहां पर लगा दिए गए, देख सकते हैं काफ़ी सही लग रहे हैं। ब्रेक छोड़ना, तो जैसे ही ब्रेक छोड़ देंगे लाइट बंद हो जाएगी, ब्रेक ऑन करो, और बाकी जैसी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो लाइट जल जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई रहने वाला है ब्लू का सिस्टम, रात में काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाली है। कई लोगों को ये लाइट पसंद आती है, कई लोगों को नहीं आती, तो अपना अपना टेस्ट है भाई, ये जज मत करना है क्या लगाया क्या नहीं लगाया, ठीक है जी। तो ये हो गया, बाकी पहले की इनकी इंजन प्लेट लगी हुई है, छोड़ दो। बाकी भाई देखो यहाँ पर ही प्लेसमेंट करी गई है, एक बार दोबारा जलाओ,
ये टेल पैनल के नीचे, ये देखो जी, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट। बाकी यहाँ पर जो है डुअल टोन में काफ़ी यूनिक, बंद कर दो लाइट, काफ़ी यूनिक जो है ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने कल की वीडियो दिखाया था, ये है, देख सकते हैं। यहाँ पे क्रोम मिलेगा, यहाँ ब्लैक पेंट मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगी बाइक देखने को। वैसे तो ये स्पोर्ट बाइक बनी हुई है, बट फिर भी यार स्प्लेंडर भी स्पोर्ट बाइक से कम नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ पीछे से लुक ऐसा आता है, और पीछे भी जो है इसमें ब्लिंकर लगा है। जरा ब्रेक दबाना भाई पीछे की, अभी देखते हैं दोस्तों कैसा काम करता है। ये देखिए, अब इस ब्लिंकर का ये फायदा है कि आपकी नंबर प्लेट भी हाईलाइट होती है वाइट कलर में, देख सकते हैं आप। ये देखिए है मामला चौकस, ठीक है। और बाकी छोड़ दो भाई, यहाँ पे अगेन हमारे रिम लाइट देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ रिम लाइट आ जाती है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर काम हुआ है। अब भाई से ज़रा दो चार बातें कर लेते हैं। ये लो भाई, क्या नाम है आपका? विशाल नाम है। विशाल कहाँ से आए थे? बाथरगढ़ से। बाथरगढ़ से। तो कैसी लगती है वीडियो तुम्हारी? बहुत बढ़िया लगती है। बढ़िया लगती है। तो ये जैसा काम वीडियो दिखाता हूँ वैसे ही काम हुआ है? उससे बढ़िया होता है। उससे बढ़िया काम हो गया। तो जो पैसे बताए गए काम के वो सही है? फुल वसूल होते हैं पैसे। वसूल पैसे है ना? यस सर। सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो आप? संतुष्ट। कोई पूछेगा यार दोस्तों बताओगे यहाँ से कराए? बता दें। चलो सही है। क्या बात, स्माइल नहीं कर रहे तुम? तो भाई ये हमारे विशाल भाई हैं, ठीक है, इनकी बाइक रहने वाली है। बहादुरगढ़ से आए थे अकेले, ठीक है। कितना टाइम लगा था यहाँ पे आने में? 2 घंटे भाई ने ट्रैवल किया, देन उसके बाद यहाँ पहुँचे। और गूगल मैप की लोकेशन से आए हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है लोकेशन में? ठीक है। तो भाई काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप लोग वीडियो देख रहे हो यार, तो वीडियो में जब मैं बताता हूँ कमेंट सेक्शन में सारा एड्रेस है, गूगल मैप लोकेशन है, फिर भी यार कई लोग मुझे बोलते हैं भैया एड्रेस बता दो, कहाँ पे शॉप है, लोकेशन क्या रहने वाली है, ये क्या रहने वाला है, वो कर। मैं सोचता हूँ यार पढ़े लिखे हो आप लोग, सब कुछ पता है, आप वीडियोज़ देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। ये लगा लो गूगल मैप लोकेशन दे रखा है, आप दिल्ली के या भारत में कहीं पे भी होगे ना, अगर आप बाय रोड आ रहे होगे तो रोड ही रोड यहाँ पे ले आएगा, दुकान पे लाके ही आपको गूगल मैप छोड़ेगा। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए रियली सॉरी, बट मैं सीरियस बता रहा हूँ कि मुझे जब ऐसे कमेंट आते हैं ना, भैया लोकेशन दे दो, नंबर दे दो, कहाँ रहने वाली शॉप, तो मैं गुस्सा सा आता है यार। मैं तो यार क्या यार, मतलब कि इतनी मेहनत करता हूँ, इतना गला फाड़ता हूँ गर्मी के अंदर, कि भैया दुकान जो है दिल्ली में रहने वाली है, कालका जी DTA फ्लैट में, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुँह जबानी जा दूँ तो 8178683185 नंबर रहने वाला है। तो सब चीज़ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार, एक बार जाके चेक तो करो, कमेंट कर देते हो कि कहाँ पे है शॉप, तो वो चीज़ है। वैसे तो बता देता हूँ, लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी यार ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो चलो भाई, यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो